हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आम पापड़, जिसके लिए मैंने 2 किलो आम कट कर लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी आम ले सकते हो, खट्टा मीठा वाला या पूरा मीठा। मैंने पूरा जो मीठा होता है वो आम लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगी। और हमें ध्यान रहे, जब ये पीसे तो इसके अंदर गुठली तो एक भी नहीं रहनी चाहिए। आप चाहे तो इसे छानकर भी ले सकते हो। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारा पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने सारा पीस लिया है। ये 2 किलो मैंने आम लिए थे, उसके लिए मैं आधा किलो चीनी ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ले सकते हो और भी चीनी, अगर कम चाहिए तो और कम भी रख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को चालू करेंगे और इसे बर्तन को गैस पर रख देंगे और इसे पकाते रहेंगे 10 मिनट तक। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहे, वरना ये जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। ये उड़ता है, इसके लिए हमें ढकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पूरी दीवार गंदी हो जाएगी हमारी इससे। ये देखिए, और 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे चेक करूँगी कि ये एक तार की बना है या नहीं। जब ये एक तार बन जाए तो हम बस इसे 2 ही मिनट के लिए भून लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। देखिए, एक तार बन रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने उसमें इलायची पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। इससे बढ़िया खुशबू आती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्लेट ली है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो। घी हमें इसके लिए लगाना है ताकि जब ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो ये निकलेगा बहुत ही आसानी से। अगर हम घी वगैरह नहीं लगाएंगे तो ये सारा चिपक जाएगा। तो मैं सारे बर्तनों में ऐसे ही लगा लूँगी। और मैं क्या करूँगी इसमें, ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। गैस को बंद कर दूँगी और अब क्या करेंगे हम, इसे जो हमने प्लेट्स लिए हैं उसमें डाल लेंगे। पतली पतली लेयर आए ऐसा ही हमें डालना है, ज़्यादा भर भर कर नहीं डालना है, वरना ये बहुत ही मोटा बनेगा और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। एकदम इसकी पतली लेयर आनी चाहिए और ज़्यादा भी पतली नहीं, हिसाब से डालिए। ये देखिए, मैं सारे में डाल रही हूँ, डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे इसमें डाल लिया है। अब इसे मैं 1 से 2 दिन तक सुखा लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे 2 दिन सुखा लिया है। अब ये बनकर रेडी है, मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ। पहले तो ये एक निकाल कर दिखाती हूँ आपको, कितनी आसानी से ये निकलता है। ये देखिए, ये निकल चुका है। अब मैं आप इसको जो है कट करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, हमें इस तरह से कट करना है। आप चाहे तो कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हो, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिए। अब सारे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लाजवाब है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह जैसे होते हैं कुछ भी नहीं लगता, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। और हम इसे क्या है, साल भर रख कर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।